हे दोस्तों, मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर गैरी केलर बोलते हैं कि आप अपने पैसों के साथ चार चीजें कर सकते हो। पहला, या तो आप उसे जान से मार सकते हो, या दूसरा आप उसे कहीं सेफली रख सकते हो, तीसरा आप उसे हेल्दी बना सकते हो, या लास्ट उन पैसों की हेल्प से आप और बहुत ज्यादा पैसे क्रिएट कर सकते हो उसे ग्रो करते हुए। अब इन चारों कैटेगरीज में से ज्यादातर लोग पहली चीज करते हैं, मतलब वो अपने पैसों को बड़े होने से पहले ही मार देते हैं। एग्जाम्पल, सैलरी या इनकम आने के बाद ज्यादातर लोग फौरन खर्च करने लगते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदने लगते हैं कुछ काम की, और ज्यादातर जो इतनी जरूरी नहीं होती वो भी। थोड़े लोग इनमें से सेव भी करते हैं बैंक में, बट अगेन बैंक में पैसे सेव करना भी बहुत से लोगों के लिए अपने पैसे को मारना ही होता है। क्योंकि देखो, अगर आपको ईयरली आपके पैसे का इंटरेस्ट अराउंड 4-5% आएगा तो ये इन्फ्लेशन रेट के आसपास ही होगा। और जैसा मैंने अपने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वीडियो में बताया है, इन्फ्लेशन की वजह से पैसों की वैल्यू हर साल कम होती जाती है यूजुअली। इसीलिए बहुत सी बैंक्स में पैसे सेफ सोचकर रखना, या पैसे घर में छुपा के रखना, या कंज्यूमर मेंटालिटी के हिसाब से लायबिलिटीज खरीदते जाना समझदारी नहीं बल्कि अपने पैसों को जान से मारने जैसा होता है। अब कुछ लोग सेकंड कैटेगरी में आते हैं जो दूसरी चीज करते हैं, मतलब वो अपने पैसों को सेफ कैटेगरी में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट या ऐसी किसी जगह डाल के जहां उन्हें साल के अराउंड 5-8% रिटर्न आते हैं, जो अगर उस साल के इन्फ्लेशन रेट से कम है तो समझो आप अपने पैसों को सेफ रख रहे हो उस साल के लिए। तीसरी चीज जो और कम लोग करते हैं वो है अपने पैसे को हेल्दी बनाना, जहां उनके पैसे साल के एंड होने तक 9-12% तक ज्यादा हो जाते हैं, जो वेल अबव इन्फ्लेशन होता है। और लास्ट चीज जो सबसे कम लोग करते हैं, और साइड नोट में याद रखो, ये कम लोग यूजुअली सबसे बड़े मिलियनेयर्स बनते हैं, वो ये सब पॉसिबल कर पाते हैं अपने पैसे को वेल्थ कैटेगरी में डाल के। मतलब उनके पैसे वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें साल के एंड में 13-20% तक रिटर्न्स मिलते हैं यूजुअली। ये लोग ही असली इन्वेस्टर्स होते हैं, और आपका भी एम यही होना चाहिए कि आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आओ इस फोर्थ चीज को करते हुए अपने पैसों के साथ। अब अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कैसे आएंगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसका एक अच्छा आंसर मैंने अपने हाउ टू सेव मनी एंड गेट रिच वाले वीडियो में दिया है, जो आप यहाँ क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाके देख सकते हो। अभी के लिए शॉर्ट में इसका आंसर मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि देखो, हर सेल्फ मेड इंसान कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है, उनके पास भी स्टार्ट में कम पैसे होते हैं, वो कम कमाते हैं, पर जो बात उन्हें अमीर बनाती है वो होती है उनकी मेंटालिटी। क्योंकि जो अमीर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं और अमीर बनते भी हैं, वो इन्वेस्टर मेंटालिटी वाले होते हैं। मतलब वो पैसे को कमा के उसे सेव करना सीखते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं। जबकि जो कंज्यूमर मेंटालिटी वाले लोग होते हैं, वो बस यही सोच के सब कुछ खर्च कर देते हैं कि वो बहुत कम कमाते हैं और इन्वेस्टिंग जितने पैसे वो कभी सेव नहीं कर पाएंगे। अगेन, ये गलत सोच और बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका अच्छा सोल्यूशन मैंने उस हाउ टू सेव मनी वाले वीडियो में दिया है, सो वो आप चाहो तो देख सकते हो। और ऐसे ही काफी अच्छी बातें ऑथर ने इस बुक में शेयर की है इस क्वेश्चन को लेके। सो उन बातों से हट के अब डायरेक्ट आते हैं हम इस फोर्थ कैटेगरी वाली बात पे, जिसमें आने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करके। देखो, जमीन एक ऐसी चीज है जिसे बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। ये जितनी कल थी उतनी ही आज है और आगे भी रहने वाली है होपफुली। जबकि दूसरी तरफ इंसानों की पॉपुलेशन और उनका जमीन पर डिपेंड होने की नीड एक्सपोनेंशियली बढ़ती जा रही है। सो अगर आप सिंपल सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से भी सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि रियल एस्टेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। यकीन करो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग करके मिलियंस ऑफ लोग मिलियनेयर बने हैं और आज भी बनते ही जा रहे हैं, सो आप क्यों नहीं। और तो बोलते हैं कि रियल एस्टेट मिलियनेयर कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई ये नहीं करेगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या आप उन मिलियनेयर्स में आना चाहते हो जो रियल एस्टेट की हेल्प से मिलियनेयर बनते हैं? अगर हाँ, तो आपको इस बुक की बातें सच बहुत काम आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में बहुत से लोग इस बुक को इन्वेस्टिंग की बाइबल मानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑथर की स्टोरी। रियल एस्टेट करियर की स्टार्टिंग में एक बार जब छुट्टी का टाइम था, तब गैरी अपने वाइफ के साथ एक अपार्टमेंट में रुके थे। ये बिल्डिंग बीच के एकदम करीब थी, सो वो दोनों ने शाम को बीच पे जाने का डिसाइड किया। अब लिफ्ट से जब वो नीचे जा रहे थे, तब एक आदमी उनके साथ उनकी लिफ्ट में चढ़ा। ये आदमी रियल एस्टेट की डील्स कराता था और उसे पता चला था कि ऑथर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। सो उन्होंने तब ऑथर को उसी बिल्डिंग के एक फ्लैट के बारे में बताया, जो बहुत सस्ते में बिक रही थी। उन्होंने बताया कि रेट बहुत कम है और ये रूम जल्दी खरीदना बहुत समझदारी होगी उनके लिए। ऑथर को भी रूम की वैल्यू के बारे में नॉलेज थी, क्योंकि वो रियल एस्टेट में काफी घुस चुके थे उस टाइम तक, इसीलिए उन्हें भी ये डील काफी अच्छी लगी थी। सो एंड में उन्होंने उसे बोला, अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कॉल करके, और उससे उसका बिजनेस कार्ड ले लिया। अब छुट्टी खत्म हुई और वो अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद उन्हें उस डील के बारे में याद आया और वाइफ के साथ डिस्कस करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डील को खरीद लेंगे, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी डील थी। सो उन्होंने उस आदमी का कार्ड ढूंढा और फिर उन्हें कॉल किया। जब ऑथर ने उनसे डील के बारे में पूछा, तो वो आदमी जोर से हंसने लगे और कहा, मैंने बताया था कि वो बहुत अच्छी डील थी, जो आपको तभी ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपको बताने के दूसरे दिन ही वो बिक गई, और जिसने उसे खरीदा उसने अभी उस अपार्टमेंट को किसी और को $100,000 के प्रॉफिट के साथ बेचने की डील भी क्रैक कर ली है। ऑथर को ये सुनके बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो डील ना लेकर समझो उन्होंने अपना $1,00,000 का नुकसान कर लिया था।
पर इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें सीखी रियल एस्टेट के लोगों से, जिसने फ्यूचर में फिर उन्हें एक रियल एस्टेट मिलियनेयर इन्वेस्टर बना दिया। जिनमें से सबसे पहली चीज जो उन्होंने अपनी करियर में सीखी थी उसे बोलते हैं CTN, द डायनामिक ट्राई ऑफ इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का सोचकर बहुत से लोग बहुत ओवरवेल्म फील करने लगते हैं, क्या खरीदना, कैसे खरीदना, सही होगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में जो डाउट क्रिएट कर देते हैं। ऑथर के लॉस का भी डाउट ही वो बड़ा रीजन था जिसने उन्हें वो डील फॉरन खरीदने से रोका था। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है CTN पे फोकस करना, क्योंकि ये करना इन सारे डाउट्स को खत्म करके एक्शंस लेने में हेल्प करता है। इसीलिए इन्वेस्टिंग से पहले आपको इसे समझना बहुत जरूरी है। CTN का सी स्टैंड करता है क्राइटेरिया के लिए, जिसपे आपको सबसे पहले फोकस करना है। मतलब यहाँ आप कुछ क्राइटेरिया क्रिएट करोगे अपने लिए, जैसे कि आपको कौन सी लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी है, कैसे टाइप की प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल, दुकान या प्लॉट्स, कितने तक की प्रॉपर्टी आप खरीदना पसंद करोगे जिसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न मिलेंगे, अकेले या पार्टनर बनके या इन्वेस्टर्स की हेल्प लेके करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे सारी चीजों की क्राइटेरिया बना लो ताकि आपका फोकस उन चीजों पे ना जाए जहां आपको प्रॉफिट नहीं है और बस उधर ही रहे जहां आप पैसे कमा सकते हो। क्राइटेरिया बनाना आपका अपॉर्चुनिटी फिल्टर होगा जो आपको सही अपॉर्चुनिटीज को समझकर जल्दी एक्शंस लेने में हेल्प करेगा। दूसरा फोकस आपको रखना है CTN के टी पे, जो स्टैंड होता है टर्म्स के लिए। मतलब यहां आपको डील के फाइनेंशियल पार्ट को समझना है। आप कोई भी डील कौन से टर्म्स पे क्लोज करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको सही अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी जो आपकी क्राइटेरिया में फिट आती है तो फिर आप टर्म्स पे आओगे कि वो प्रॉपर्टी आपको कितने में खरीदना सही होगा और आप उसे कितने तक में बार्गेन करके खरीद सकते हो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी लिस्ट बना के रखते हैं उन कंपनीज की जो उनकी क्राइटेरिया में फिट बैठती है, पर वो उस कंपनी के स्टॉक्स तब तक नहीं खरीदते जब तक वो उनके टर्म्स के हिसाब से सही नहीं मिल रही होती है। स्पेशली उन्हें जो प्राइस में चाहिए अगर उसके हिसाब से मिले तो ही वो उसे खरीदते हैं। क्योंकि देखो, अच्छी से अच्छी कंपनी के स्टॉक्स या प्रॉपर्टी अगर आप गलत दाम पे खरीदोगे तो ये आपके लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। इसीलिए आप सही डील को सही टर्म्स पे खरीदो, ये मत सोचो कि फ्यूचर में तो प्राइस बढ़ेगा ही और मार्केट पे डिपेंड हो जाओ, बल्कि इंस्टेड पहले ही ऐसी डील खरीदो जो खरीदने में ही आपको प्रॉफिट हो जाए, मतलब मार्केट से कम दाम में मिलने वाली डील्स एक्सेट्रा। तीसरा फोकस आपको रखना है CTN के एन पे, जो स्टैंड करता है नेटवर्क के लिए। यहाँ आपको उन लोगों पे फोकस करना चाहिए जो आपको पूरी डील स्टार्ट से लेकर एंड तक पॉसिबल करने में हेल्प करेंगे। देखो, बेस्ट क्राइटेरियाज आप अपने लिए तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप अपनी आसपास की मार्केट को समझोगे, बाहर निकल के रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की नॉलेज लोगे, ब्रोकर्स से या दूसरे लोगों से कनेक्शंस बनाओगे तब। और ये सब के लिए आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। जितने ज्यादा ब्रोकर्स और काम के लोगों को आप जानोगे उतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, इसीलिए अपने नेटवर्क को ग्रो करते रहो। लास्ट बड़ी चीज जो इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं बताना चाहूंगा वो है अबाउट 4 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग अप्रोच। देखो, 4 तरह के लोग होते हैं इन्वेस्टिंग में, पहले ऑब्जर्वर, दूसरे स्पेक्यूलेटर, तीसरे ओनर और चौथे इन्वेस्टर्स। ऑब्जर्वर लोग उन्हें बोलते हैं जो मार्केट को हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट कब ऊपर जाता है, नीचे जाता है और उन्हें सब जरूरी चीजों की नॉलेज होती है, पर फिर भी ये लोग कभी एक्शंस नहीं लेते और बस देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। स्पेक्यूलेटर उन्हें बोलते हैं जो रिस्क लेने का शौक रखते हैं, उन्हें रिस्क लेने मजा आती है और वो बिना ज्यादा नॉलेज विजडम के इन्वेस्ट कर देते हैं चीजों में बस स्पेक्यूलेट करते हुए। ओनर उन्हें कहा है ऑथर ने, जो चीजों को खरीद कर उन्हें ओन करना पसंद करते हैं, उन्हें घर या प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा लगता है और वो बस अपने शौक के लिए, इमोशनल नीड के लिए चीजें खरीदते हैं। अब आपको इन तीनों टाइप के अप्रोच लेने वाले लोगों के बजाय एक इन्वेस्टर वाला अप्रोच लेना चाहिए। इन्वेस्टर उसे बोलते हैं जो तीनों टाइप के लोगों की अच्छी क्वालिटी रखता है और बुरी क्वालिटी को नहीं रखता है। मतलब वो ऑब्जर्वर की तरह मार्केट की अच्छी नॉलेज और विजडम तो रखता ही है, पर साथ में एक्शंस भी लेता है। दूसरा, वो रिस्क लेने का खतरा तो उठाता ही है, लेकिन बहुत सोच समझकर और अच्छी विजडम के दम पर, ना कि रिस्क लेने को एक मजा समझकर, जो ऑलमोस्ट हमेशा उन्हें प्रॉफिट देता ही है। और लास्ट, वो चीजें खरीदने का शौक तो रखते हैं पर बस इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू को समझते हुए। और आपको भी ऐसे ही इन्वेस्टर बनना चाहिए। ये थे बस कुछ प्रिंसिपल्स और बातें इस अमेजिंग बुक की, जो है द मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बाय गैरी केलर। इस बुक में बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जरूर सीखनी चाहिए अगर आपको थोड़ा भी रियल एस्टेट या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है तो। सो अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और अगर आप इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सेंड ऑल नोटिफिकेशन भी सिलेक्ट करें, तभी आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनको फायदा हो, जिससे आपको भी फायदा होगा और हमारी कंट्री भी आगे बढ़ेगी। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।